आपको बताइए जी, पूछिए। आपका नाम? मिस्टर राजकुमार निषाद। तो कौन बढ़िया है देश के लिए? देश के लिए जो अभी चल रहे हैं मोदी जी, योगी जी, यही हमारे हिसाब से सही पड़ेंगे। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है ये मुझे नहीं मालूम क्या है। आपको अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छे लगते हैं। पर वोट आप मोदी जी को देंगे? देंगे कि नहीं? तो गरीबों के लिए अच्छा काम मोदी योगी कर रहे हैं जी। आप बताइए जी। हमारा नाम राकेश कुमार बिंद है, दारागंज सब्जी मंडी रहने वाला हूँ। तो हम वोट भी अगर देंगे तो मोदी को देंगे, किस लिए कि उनके आने से हमको काफ़ी सुविधाएं मिली हुई है उनसे, यहाँ तक चलने से लेकर, और हमें अगर कहीं भी टॉयलेट वॉलेट होता है तो उसमें हमको सब चीज़ में उनको सुविधा मिली, उनके आने से लाइट वाइट सब इसमें हमको बहुत सुविधा मिला हुआ है जी। धन्यवाद। नहीं नहीं, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने चोरी कर दी है, कुछ काम नहीं किया है गरीबों के लिए, आप क्या कहेंगे? हमारा तो यही कहना कि जितना हमारे लिए मोदी ने किया अभी तक हमको कोई किया नहीं है, तुम किसको कहें। अच्छा, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम शिव प्रसाद निषाद जी है। जो है कि मोदी ने जो है हमारे इस भारत में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, सामूहिक काम नहीं किया, जो है देश के लिए काम किया, इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। और गरीबों के जो है राशन बटाते हैं और सारे गरीब लोग वो राशन पाते हैं। तो मायावती क्या काम करती है? मायावती भी शासन ठीक ढंग से चलाए थे, गरीबों के राहत मिलता था, और उन्होंने भी जो है जो काम किया कहते वो भी सार्वजनिक काम किया, शासन भी बहुत टाइट रखा था। पर अखिलेश यादव से गठबंधन क्यों किया फिर? अखिलेश यादव से गठबंधन इसलिए किया कि उनकी सरकारें जो है गिर गई, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। तो आप महागठबंधन को वोट देंगे कि मोदी को? हम तो ज़्यादा तौर से तो इस समय मोदी के सपोर्ट में है, इसलिए हम लोग निषाद हैं, निषाद राजवंश के जो है हमारे संजय निषाद जो है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल है, वो हमारे निषाद वंश के जो है एक पार्टी बनाए हुए हैं, उसी हम पार्टी को वोट सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब। अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आइए आइए हमारे इधर हैं भाई। हमको नहीं आता कुछ बोलना, इतना अच्छा बोल रहे हैं। अरे हम क्या बोलें यार, आप बताइए कौन बढ़िया आदमी है? बढ़िया आदमी अगर घाट चले यहाँ का, ठीक है, तो चल ही रहा है। घाट कहाँ चल रहा है, सब घाट बंद हो रहा है ना यहाँ का। अच्छा, और क्या, उस बार इस बार से जो नाव बंद हो जाएगी तो वोट वालों की कमाई क्या होगी? तो राहुल गांधी घाट चला देंगे। जो चलाएगा घाट आसो वही अच्छा है हमारे लिए। घाट तो पानी चलाएगा। पानी क्या चलाएगा, नाव वाले नाव चलाएंगे। अच्छा, और क्या चलाएगा? और कौन? आप पीछे से बोल रहे हैं, आप बताओ भाई क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए तो कोई नहीं बढ़िया है। क्या बढ़िया है साला, हम 20 रुपए में मर रहे हैं यहाँ से ठंडी में आके। हाँ, कौन बढ़िया है बताइए हमको? इतना बड़ा इलाहाबाद सिटी पड़ा है, यूपी का आदमी जाता है इधर उधर कमाने के लिए, सरकार बन के बैठी है वहाँ पे, और बैठे ऊपर से भी कुछ आता है हमारे लिए, एक निवास कोई भी आवास आता है वो भी बोलते हैं कि हमको 20,000 रुपये घुस दो तो हम तुमको देंगे। तो आपने कंप्लेंट नहीं की इसकी? क्या कंप्लेंट करने से, कंप्लेंट करने जाएंगे तो उनसे ऊपर खुद ही कंप्लेंट करने वाले बैठे हैं, नाव चलाते हैं। तो इस बार 2019 में किसकी नाव चलाओगे? अपनी नाव चला रहे हैं। वोट किसको देंगे? वोट तो देने के लिए जब टाइम आएगा तभी बताया जाएगा। अरे यार अभी बताओ, हम अभी आए हैं आपके पास। अभी तो शायद भाजपा को देने का दिल कर रहा है। अखिलेश और मायावती एक साथ आ गए, क्या करेंगे उसका? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। पर प्रधानमंत्री मोदी ही बनाएंगे? हाँ, बनाना तो उन्हीं को है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ कैसा काम हो रहा है कुंभ में? प्रशासन उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके लिए कुछ काम हुआ है मोदी गवर्नमेंट में? हाँ, बहुत सा काम हुआ हमारा, बोर्ड पेंट हो गई, उनके नंबर पड़ गए, उनका कलर आ गया हमारे नाव पर। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं चौकीदार चोर है, आप क्या लगता है? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। राहुल गांधी कैसा है? इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं, तो क्या बताओ? बताओ भाई। हम क्या बताएं भाई, हम सबको आप बताइए। आप हंस रहे, बताओ। बोलो, ऐसे बोलो। बताइए, बताओ कुछ तो बोलो। आप बोलो। राहुल गांधी,
उनके लिए तो अब आएंगे तब तो पता चलेगा कौन कैसे काम कर रहा है। अभी ये मोदी तो एकदम एकदम परफेक्ट कर दिए हैं स्वच्छ भारत, बस इतना कहना चाहता हूँ। तो गरीब लोगों के लिए कौन बढ़िया है? अब गरीब लोगों को तो मान के चलो सभी बढ़िया हैं। कांग्रेस कहाँ आने वाली है? अब यही यूपी में। यूपी में तो उनकी नया डूब गई बता रहे हैं। अब ये तो नहीं बता सकती सर। क्या क्या बता रहे हैं? हाँ डूब गई है उनकी नैया वहाँ यूपी में। कहाँ डूबी? संगम में तो नहीं डूबी। राहुल गांधी नाव नहीं चला पाएंगे? क्यों नहीं चला पाएंगे? तो आप बता रहे डूब गई है? नहीं ये तो हम नहीं कह रहे हैं। अरे उनका बात हो रही थी अलग है। मशीन के नाम तैरना नहीं जाते हैं? कौन नहीं तैरना जाते? राहुल गांधी। क्यों नहीं जानते? अरे उनसे नहाते हुए नहीं, नहाते हुए तो नहीं देखा है लेकिन फिर भाषण करते हुए टीवी में देखा है हमने। हंसी आती कि रोना? हाँ बिल्कुल हंसी आती है, क्यों रोना है ना भाई, क्यों रोना आएगा? राहुल गांधी की भाषण सुन के हंसना आता आपको? अरे हंसना भी आता है, सोचना भी आता है। हाँ क्या बोल दिए क्या नहीं बोल दिए। कॉमेडी करते क्या वो? नहीं कॉमेडी नहीं करते। क्या करते फिर? भाषण करते हैं। भाषण में क्या मिलेगा आपको? भाषण में क्या ज्ञानता मिलती है थोड़ा। आलू से सोना बनाते हैं? आलू से सोना कहाँ बनेगा? राहुल गांधी ने तो कहा कि आलू से सोना बनाएंगे। कभी नहीं बनेगा। तो आप राहुल गांधी वैज्ञानिक नहीं है? वैज्ञानिक राहुल गांधी वैज्ञानिक तो है ही है। कौन से वैज्ञानिक हैं राहुल गांधी? मालूम बताओ तो, सोना बना रहे हैं तो क्यों नहीं वैज्ञानिक हुए? वैज्ञानिक है राहुल गांधी और क्या। तो आपने देखा कि राहुल गांधी वैज्ञानिक मानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार निषाद। अच्छा तो आप किसको वोट देंगे? हम वोट ऐसे ऐसे कैसे देंगे? ऐसे ऐसे बटन दबाना है बटन तो दबाना है लेकिन वोट मेला के कोई कुछ करेगी। हाँ जब अगर हमारे किस्ती के अगर कोई भी मुख्यमंत्री की कर देगा तब उसी के दे देंगे वोट। नहीं तो फिर भी तो देना है। देना तो है। देश के लिए कौन बढ़िया है? देश के लिए अपने अपने दर पर सही है। देखो इसलिए अरे यार आप खा रहे हो बता दो ना। बता दो क्या बताना है? कौन बढ़िया है? कौन बढ़िया है? अरे अरे हाँ मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ मोदी जी योगी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कृष्णा तहसील के रहने वाले हैं। आपका व्यवसाय क्या है? यही है नाव चलाने का। नाव चलाने में कोई तकलीफ हुई? नहीं आज कुछ तरह तकलीफ नहीं हुई। इससे पहले जो अखिलेश और मायावती की सरकार रहती थी उस समय भी कुंभ का मेला लगता था, उसमें और योगी के कुंभ में क्या फर्क नजर आया है? बस वही जो भीड़ भाड़ में रोका रोकी होता था, खेदा खादी होता था, प्रशासन भी कभी कभी तंग कर देती थी। अभी आज के डेट में जो भी मेला हुआ कल भी हुआ कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई? नहीं शासन प्रशासन सब कुछ एकदम दुरुस्त मिला? हाँ बिल्कुल। प्रशासन भी कायदे रूप से बात करता, कायदे रूप से समझाता कि इधर भीड़ ज्यादा ये करो, मतलब जहाँ ज्यादा बड़ी नाव है छोटी नाव मत घुसाओ, कम सवारी अपना जितना क्षमता है क्षमता से एक दो सवारी कम लेके चलो अच्छा रहेगा। व्यवस्था को कुल मिला के व्यवस्था को बना के रखा। तो अब एक बात और बता दो कि जिस तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि लाखों में लोग आए तो आपकी पॉकेट में कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? अब सर वो तो अपना अपना नसीब का बात है कि जो जितना मेहनत करेगा जैसा जिसका नाव है उस हिसाब से जो सरकार रेट दिया है उस हिसाब से जो मिल जाता है बस वही फायदा है। जीवन यापन अच्छा चल रहा है। हाँ। तो कुल मिला के अब हम आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल किस्सा करते हैं थोड़ा सा। तो एक बात बता दीजिए कि जिस तरीके से मायावती जी है अखिलेश है दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी, इधर बीजेपी सरकार है वो एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो मोदी जी तो 2019 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो देखेंगे अच्छा कार्य जो कर रहा है जो करेगा वही रहेगा। मायावती या मोदी? अब ये तो फैसला हम नहीं कर सकते कि आपकी नजर से हमारे नजर से क्या है सर, जो आप भी एक भारत के नागरिक हैं आपका भी वोट का अधिकार है। हाँ वोट का अधिकार है, बात है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है कि कौन रहेगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार मल्लाहों की क्यों नहीं चुन रही है? मल्लाहों में से नेता निकल गया है तो चुने? कौन से नेता निकल गया है? आपके आपके मायावती जी हैं? मायावती भी नहीं है न अखिलेश भी हैं न मोदी भी, मल्लाहों को कोई गुनगुना नहीं कर रही। हम तो आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं।
हम बनने लायक होते तो हम बन जाते हैं सर। नहीं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कैसे बन सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब छत्तीसगढ़ में जब विधायक का शपथ पत्र लिया जा रहा था, उसमें 5 विधायक ऐसे थे कांग्रेस के जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा गया। नहीं सर, ऐसी बात है कि रोड पर तो हो एक्सीडेंट होता है, ठीक, रोड पर हर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी नहीं बंद किया जाता। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हमके कोई प्रधानमंत्री नहीं। आपकी नजर से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमको कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। कोई भी ईमानदार नहीं है? कोई ईमानदार नहीं है। चलो ठीक है, मोदी जिंदाबाद। अखिलेश और अखिलेश मुर्दाबाद। अखिलेश मुर्दाबाद। आपका नाम क्या है? शमशेर निषाद। तो आपको मायावती और अखिलेश का जो गठजोड़ हुआ? संजय निषाद। अच्छा, वोट किसको देंगे? हाँ, वोट वोट मैं वो उसको देंगे, मैं संजय निषाद राज का। अच्छा, चक्की किसी की चलेगी इस बार? हाँ, चाहे जिसका चलो, मेरा पेट चलता है तो मैं संजय निषाद का वोट देंगे। अच्छा जी, हाँ बताइए अंकल। हाँ हम का बताए, हम लोग तो बैठे रहते हैं यहाँ, कमाई कुछ है ही नहीं है। जो नहीं है, हाँ, मछली नहीं मारते? मछली यहाँ मारने मिले, आदमी बैठाने में तो परेशानी है, मछली मारेंगे तो अंदर चले जाएंगे। अच्छा, हाँ। फिर भी वोट किसको दे रहे हो? वोट तो अब कहा जो जोन जिसका चलेगा तो वही लेगा। के कारण से तो हम लोग ज्यादा तक पहले जो मायावती थी, पहले मायावती के कारण से हम लोग का रोजी रोटी बढ़िया चलता था। तो ये भाई तो बोले मोदी जी के, मोदी जी तो दिखावा के लिए कर रहे हैं ना। तो दिखावा तो मैं तो मायावती की मूर्ति देखी थी मैंने। हाँ, मूर्ति तो देखी थी, लेकिन जो पहले चल रहा था हमारा बोर्ड का नाम, तो ये मायावती के कारण से चल रहा था इतना। लेकिन इस साल हमारा क्या है कि इस समय हम लोग का रोजी रोटी डाउन हो गया है, क्योंकि ये मोदी के कारण। नाव तो चलाया था, ठीक चलाया था, घाट भी दिया था और हर एक चीज सुरक्षित भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो घाट दिया था कि वो बड़ा नाव लगने के लिए, वो नहीं ये बोल रहा है कि क्यों बड़ा नाव लगने के लिए यहाँ पर क्यों रोक लगाया है। हम क्या बोलेंगे, जो कर रहे हैं भैया ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है, सब काम हो रहा है।